चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस कीजिए सब्सक्राइब बटन और उसके बाद प्रेस कीजिए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड एक एक्सक्लूसिव अपडेट। पतंजलि जो योग गुरु बाबा रामदेव जी का कंपनी है, उसने BSNL के साथ पार्टनरशिप किया है और लेके आया है बहुत ही सस्ते रेट में कॉलिंग, इंटरनेट डाटा और SMS। तो क्या पतंजलि अब टेलीकॉम सेक्टर में भी बिजनेस करेगा? क्या पतंजलि अब जियो और दूसरे ऑपरेटर्स को टक्कर देगा? तो इन्हीं सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो इसे जानने के लिए आगे देखते रहिए ये वीडियो। दोस्तों, पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पतंजलि अभी के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर बनने नहीं जा रहा है। पतंजलि ने सिर्फ BSNL के साथ मिलकर एक सिम लॉन्च किया है। इसका नाम दिया गया है स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड। अभी के लिए ये सिम कार्ड सिर्फ पतंजलि एम्प्लॉइज को ही मिलेगा और पतंजलि के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि भारत स्वाभिमान न्यास, पतंजलि योग समिति, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज है उनको भी ये सिम मिलेगा। इस सिम के साथ यूजर्स को 144,792 और 1,584 रुपीस का प्लान मिलेगा। जो 144 रुपीस का प्लान है उसका वैलिडिटी होगा 30 डेज का, जो 792 का प्लान है उसका वैलिडिटी होगा 180 डेज का, और जो 1,584 रुपीस का प्लान है उसका वैलिडिटी होगा 365 डेज का। प्लान्स के साथ यूजर्स को मिलेगा अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स, 100 SMS पर डे, फ्री रोमिंग और 2GB डाटा पर डे। बाद में ये सिम कार्ड और प्लान्स पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा। इन सिम कार्ड के साथ पतंजलि प्रोडक्ट्स में 10% डिस्काउंट, हेल्थ, लाइफ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगा ऐसा कहा जा रहा है। मेडिकल कवर 2.5 लाख और लाइफ इंश्योरेंस 5 लाख का होगा ऐसा खबरों में निकल के आया है। जब कंज्यूमर्स के लिए ये सिम लॉन्च हो जाएगा तभी पता चलेगा कि ये बेनिफिट्स कैसे मिलेगा। आखिर में बताना चाहूंगा कि ये पतंजलि और BSNL के बीच का एक ब्रांड पार्टनरशिप है। पतंजलि को अभी तक इंडिया में कोई टेलीकॉम लाइसेंस नहीं मिला है, तो वो सिर्फ BSNL का नेटवर्क यूज करेगा और अपने ब्रांड का ब्रांडिंग सिम में यूज करेगा। पतंजलि और BSNL इंडिया का स्वदेशी कंपनी है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन पतंजलि से जियो, एयरटेल जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कोई खतरा नहीं है अभी के लिए। तो ये था पतंजलि सिम के बारे में अपडेट। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। कुछ और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।